नमस्कार, आज़ाद परिंदे चैनल में आपका स्वागत है। आपकी आदतों को कुछ समय और गुंजाइश दें ताकि वे बनी रह सके। लक्ष्य का अर्थ समय और स्थान को स्पष्ट करना है। आदत को बार बार दोहराने से उस स्थिति में भी आपके भीतर सही समय पर सही कदम उठाने की तीव्र इच्छा पैदा होती है। जब आप कह भी नहीं सकते कि ऐसा क्यों है, लेखक जेसन जॉइंग का कथन है, स्पष्ट रूप से जब तक आपके पास विचार की सजगता नहीं होगी आप वर्कआउट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे एक कुत्ता ललाइट होने पर लार टपकाने लगता है, ठीक वैसे ही आपको भी सामान्य तौर पर वर्कआउट के समय बेचैनी हो सकती है। अपने जीवन एवं काम में क्रियान्वयन की मंशा को प्रयोग में लाने के कई तरीके हैं। स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर रहे बीजे फॉक्स से मैंने एक तरीका सीखा जिसे मैं आदतों को क्रमबद्ध करना कहता हूँ, और यह मेरा पसंदीदा उपाय है। धन्यवाद।